मैं रोशन मावा हूँ, मैं गाड़ी को जहाँ श्रीनगर रहने वाला हूँ। 30 साल पहले मेरे साथ एक एपिसोड हुआ था जिसकी वजह से यहाँ से रुख्सत करनी पड़ी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ मेरी दुकान चल रही है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, पर हरदम एक ही अंदर से गम है, मेरा वतन। मुझे रातों को नींद नहीं आती आपके वतन के बगैर। मुझे कश्मीर से बहुत प्यार है, मुझे कश्मीर से प्यार है। और जब आज मेरे बेटे ने यहाँ दुकान खोली है गाड़कुचा में, सारे लोग आए, इतना प्यार बरसाया जो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं बरसाया। मुझे आज अपने वालिद साहब की याद आती है, जैसे उनको मेरे लिए शफकत था, प्यार था, ऐसे सब लोगों ने जो मुझसे छोटे भी है मुझ पर मेहरबानियाँ बरसाई, मेरी दस्तारबंदी की, मुझे वेलकम किया, मुझे कश्मीर में आने का मौका दिया। आई एम ऑनर्ड सर, मुझे कश्मीर में बहुत प्यार दिया। मेरे को गोली लगाई थी किसी लड़के ने, 3 गोलियां मेरे को लगी थी, जिसके लिए मैं 4 महीने हॉस्पिटल में रहा। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और फिर मैं दिल्ली में सेटल हो गया, जहां अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मेरे को घर भी दिया, बार भी दिया, काम भी दिया, मगर 24 घंटे मेरे अंदर एक कमी थी मेरे घर की, मेरा वतन का। अगर मुझे कोई भी पूछता आपका घर कहाँ है, तो मेरे मुँह से अन्यायास निकलता था, मेरा घर कश्मीर में। तो अभी आप बहुत ही मतलब देर सा रोल, हाँ मेरे को नहीं, दोनों के हैं। खुशी यह है कि मैं अपने भाइयों के बीच में, गम यह है कि 30 साल मेरी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए। आई हैव वेस्टेड 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ। कि मुझे पंडित बरादरी के बारे में यह पता है कि वो भी मेरी तरफ तड़प रहे हैं, एवरी बॉडी एंड एनी बॉडी, बट उनकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं। उनको भी मैं यही कहूँगा, मौका ढूंढिए, अपने घर वापस आइए, यहाँ हालात ख़राब नहीं है। 99% लोग आपसे प्यार करेंगे, आपको वेलकम करेंगे अपना, और यह सच है। जब भी कोई कश्मीरी यहाँ आता है उसको वेलकम किया जाता है, और हम वहाँ दिल्ली में जहाँ भी है, आई डोंट फील आई एम हैप्पी, कोई भी खुश नहीं है, मजबूरी है, खुशी नहीं है। श्रीनगर से बोल रहे हैं, बुरे कदल से। तो जो ये पंडित बरादरी यहाँ पर आई है, वापस आई, हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आने के लिए। जब हम यहाँ से गुजरते थे किसी टाइम, तो हम देखते थे ये मकान खाली पड़े हैं यहाँ पर, क्यों पड़े हैं खाली, इसकी वजह क्या है, हमें बहुत फील हो रहा था। आज ये मकान पिछले 30 साल से खाली था, फिर आज यहाँ पर सभी मावा साहब जो इनके बेटे हैं उन्होंने यहाँ पर ये मतलब डिसमेंटल किया और इसको नए से बनाया, तो फिर हम बहुत खुशी हुए। हमने भी मदद की, उन्होंने भी मदद की यहाँ बनाने के लिए इसको, तो इसको हमें बहुत फील है। मतलब यहाँ पर जब ये हम कैसे महसूस कर रहे हैं आपके बीच में आज फिर से वापस, जो आपके पुराने पड़ोसी, आप देखें हमें एक ऐसी खुशी है। यहाँ पर बहुत लोग आए थे, हमने कहवा भी पिया यहाँ पर, हमें मतलब सब कुछ मतलब ये कि जब इनॉग्रेशन आज थी यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर मतलब कैसा खुशी का माहौल है इस टाइम। तो जो हमारे ये संजीव मावा साहब इधर आए हैं वापस, तो और ये दुकान खोली, इनॉग्रेशन किया आज, ये बहुत खुशी बात। यही मैसेज, जैसे ये संजीव मावा साहब जो इधर आए हैं, मतलब कोई डर नहीं है, कोई कुछ खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो उनको ये मैसेज है कि वो आए यहाँ पर और देखिए आराम से, मतलब यहाँ पर कोई डर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। जी, मैं डॉक्टर संदीप मावा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्सिलेशन फ्रंट का। जैसे मैंने वादा किया था, मैं कश्मीर को अमन की राह पे ले जाने के लिए पूरा काम करूँगा। उसी सिलसिले में लोग कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने आज ईमानदारा में कोशिश की और अपने वालिद को, रोशनलाल मावा जी को कन्विंस किया कि आप अपने ऑपरेशन दिल्ली में करिए, ठीक है, लेकिन श्रीनगर में भी अपनी ब्रांच खोलिए, क्योंकि हमारा तिजारती कारोबार पिछले 200-400 साल से यहाँ चल रहा था, लेकिन 90 में
इनको चार बुलेट्स मारी गई थी और हमारी दो चार बिल्डिंग्स यहाँ जलाई गई थी जैनकल में, तो उस पर हमें जाना पड़ा। तो फाइनली आई बीन एबल टू कन्विंस माई फादर, और मैं कोशिश करूँगा अगले महीने कुछ 100 और परिवारों को, कश्मीरी हिंदुओं को यहाँ लाने की, ताकि कश्मीर अमन की राह पे और सेकुलर राह पे चले। थैंक यू।